नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पृथ्वीराज राजपूत है और आप देख रहे हैं टेक्निकल 18 इंडिया। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, हम अपने लैपटॉप का जो टच फिक्स हो गया उसको कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो पूरा इसी के ऊपर है दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और ये प्रोसेस पूरा फॉलो करते हैं। इस तरह दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। आपका लैपटॉप कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ कारण से डबल क्लिक वाला जो टच है वो काम नहीं करता, टच ही काम नहीं करता। तो इसी का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, एक एक स्टेप हम बताएंगे, आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पास अपने विंडोज़ वाला जो टाइप है सर्च पे, यहाँ पास सर्च करना है डिवाइस मैनेजर। चलो दोस्तों मैं यहाँ पास सर्च करता हूँ डिवाइस मैनेजर। सर डिवाइस मैनेजर सर्च करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपका काम ये रहेगा, आपका जो टच फिक्स होता है खास करके आपका जो ड्राइवर है वो कुछ कारण से अपडेट नहीं हुआ रहता, तब जाके होता है, और कुछ कारण रहता है। लेकिन आपको सबसे पहले अपना फिक्स सॉल्व करना है तो पहले अपना डिवाइस मैनेजर ओपन करने के बाद अपना यहाँ पास जो ऑप्शन आएगा माइक एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइस, यहाँ पास क्लिक करना। देख सकते हैं नीचे में ये ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है, अपडेट करना है। तो यहाँ पास देख सकते हो ब्राउज माई डिवाइस एंड कंप्यूटर, यहाँ पास लेट मी, उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पास देख सकते हैं लास्ट में है नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये आपका ड्राइवर अपडेट होगा। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ पास, तो आप नेक्स्ट करके ड्राइवर सबसे पहले अपना अपडेट करना है, उसके बाद यहाँ से कैंसिल कर देना है। उसके बाद आपका काम रह गया दोस्तों मेन काम, तो यहाँ पास फिर से आपको सर्च करना है कंट्रोल पैनल। जैसे ही आप कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे दोस्तों ये ओपन होगा और यहाँ पास देख सकते हो ये पूरा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पास आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, यहाँ पास हार्डवेयर एंड साउंड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप हार्डवेयर एंड साउंड पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पास माउस का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से कैटेगरी चेंज कर सकते हैं स्मॉल आइकॉन भी करके, ये माउस का ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ माउस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। खास करके फिक्स इसी के कारण से होता है। तो चलो दोस्तों यहाँ पास माउस के ऑप्शन पे यहाँ पास देख सकते हो पॉइंटर्स, यहाँ पास आपको क्लिक करना है, यहाँ पास पॉइंटर आपका ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पास आपको ये स्लो है मीडियम में इसको फास्ट करना है, थोड़ा यहाँ तक रखना है, उसके बाद अप्लाई कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो टच है वो स्पीड वर्क करेगा, क्योंकि आपका टच स्लो भी वर्क करता है जो स्पीड वर्क करने लगा ये करने से। उसके बाद दोस्तों आपको ये करना है, फिर से अपना माउस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होगा, जिससे आपका टच फिक्स हुआ रहता है वो सॉल्व होगा। तो चलो दोस्तों हम माउस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। और ये प्रॉब्लम दोस्तों अक्सर माउस को निकालने लगाने से होता है, जिससे लैपटॉप का टच काम नहीं करता। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पास ये ऑप्शन आ जाएगा माउस प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पास पॉइंटर का ऑप्शन हो गया, यहाँ पास डिवाइस सेटिंग, यहाँ पास आएंगे दोस्तों डिवाइस सेटिंग है, यहीं से मेन काम स्टार्ट होगा। फिर यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पास देख सकते हो ऑप्शन आ गया ओ आर यू, तो यहाँ पास नीचे में है टाइपिंग का ऑप्शन इनेबल टाइपिंग, तो यहाँ पास देख सकते हो दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे दोस्तों उसके बाद आपके सामने इसको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये ओके पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आप पहले ड्राइवर को अपडेट करना, उसके बाद ये वाला ऑप्शन जाके इनेबल कर देना, जिससे आपका लैपटॉप का टच प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।